नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पौड़ी के धुमाकोट भवन मोटर मार्ग पर एक डंपर खाई में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष दीपक तिवारी, पुलिस टीम राहत और बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू किया गया है, वहीं घायलों को अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पौड़ी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खाई में दरअसल एक डंपर गिर गया, जिसके चलते काफ़ी लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। साथ ही घायलों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद अब कईयों को सकुशल निकाल लिया गया है, वहीं कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसा सोमवार देर रात को हुआ। जिले के एसडीएम रोड पर बूडम के पास बारात में शामिल एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। कुमाऊ रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद ने बताया है कि सूखी ढांग रीठा साहेब रोड पर वाहन के खाई में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह वाहन बारात में शामिल था और देर रात बारात से वापस लौट रहा था। वही आने वाली होली पर देशवासियों को महंगाई का जोरदार झटका लगने वाला है। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और युद्ध के आसार के चलते कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। मंगलवार को कच्चे तेल के दाम $97 प्रति बैरल के पास जा पहुंचे और जल्द ही इसके $100 तक छूने की संभावना भी जताई जा रही है। तो वही दर्शकों, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की एक बार फिर खबर का असर देखने को मिला है, जहां पर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से बीजेपी प्रत्याशी निवर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बता दें कि यह एफआईआर राणा प्रताप सिंह स्टेटिक मजिस्ट्रेट भूमि संरक्षण अधिकारी सिद्धार्थनगर की तहरीर पर दर्ज की गई है। आपको बताते चलें कि 19 फरवरी को राघवेंद्र प्रताप सिंह ने डुमरियागंज के पेंडारी मुस्तक महम में गांव में अपने चुनावी भाषण में अल्पसंख्यक और हिंदू जनमानस के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल किया था, जिसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। तो प्रायोरिटी बेस इस खबर को हम लगातार चलाते रहे थे। सिद्धार्थनगर से खबर थी, जहां पर बड़बोले बोल सुनाई दिए थे एक बीजेपी नेता के और जो कि विधायक भी हैं। इस खबर को लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया प्राथमिकता के साथ चलाता रहा और लगातार हम अधिकारियों से इस खबर को लेकर जवाबदेही भी उनकी तय कराते रहे। साथ ही साथ पार्टी से भी हमने बात की, पार्टी अलगवान से भी बात करने की तमाम कोशिशें की और उनको भी इस घटना को लेकर अवगत कराया। लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया इस खबर पर बना रहा, इस वीडियो को बार बार आपको दिखाता रहा और दिखाता रहा कि किस तरीके से आपके नेता के बड़बोले बयान और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के लिए उनके मन में पनपती जो हेट है, उसको लेकर हम लगातार इस खबर को चलाते रहे। सिद्धार्थनगर से एक खबर थी, जहां पर प्रत्याशी भी हैं और विधायक भी हैं पहले से और फिलहाल प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है, जहां पर राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो सिद्धार्थनगर से एक खबर, जिसको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाया था और लगातार हम इस खबर पर बने रहे थे। हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर अपडेट देते रहे थे, लाइव देते रहे थे, फोनों देते रहे थे और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन से भी इस चीज को लेकर अवगत कराते रहे थे। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। अच्छा बताओ, यह गांव क्या जयचंद है, क्या तू है, हमें बताया दो, ठीक है, करिए बनवाई करिए, उनके रंगवा हम टेस्ट कराए, उनके खुलवा टेस्ट कराए, तू ओरिजिनल हिंदू हो कि तुम मियां कौला। तो वाकई में इस खबर की जितनी निंदा की जाए, क्योंकि ये वीडियो जो है अपने आप में कई बातें कहता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीप यादव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। दीप साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, इसको लेकर अब ये जो बड़बोले बयान वाले जो विधायक जी हैं, इनका क्या कुछ कह रहा है और साथ ही साथ आपको शुभकामनाएं, आप लगातार इस खबर पर जो अपडेट देते रहे, लगातार आप इस खबर पर बने रहे, जिसकी वजह से आज ये एफआईआर दर्ज हुई है।
जी साफ तौर पर कहा जाए तो ये इस तरह के मतलब मनबढ़ नेताओं में से गिने जाते हैं। राजेंद्र प्रताप सिंह जो हिंदू एवानी के प्रदेश प्रभारी हैं और योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी बताए जाते हैं, जो लगातार अपने इस तरह के भाषणों में गलत बयानबाजी और ये जाति सूचक शब्दों को लेकर, जाति विशेष को लेकर इस तरीके के हमेशा बयानबाजी करते हैं और इनके ऊपर अभी तक सत्ता थी तो इस वजह से अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने इनके बयान को संज्ञान में लिया है और इनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया। ठीक है, आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है दीप साहब, विचारधारा किसी भी तरह की हो सकती है, आप कट्टर हिंदुत्व को मानने वाले हो सकते हैं या कट्टर दूसरे पक्ष के भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक संवैधानिक पद पर हैं, जब आप विधायक हैं अपनी विधानसभा के, लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो विधायक होना तो ये नहीं होता कि आप हिंदू मुसलमान में भेद करें, धर्म के नाम पर भेद करें, जात के नाम पर भेद करें। तो इस जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है इसको सुनकर तो हर किसी का खून खौल रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ अब हिंदू देखिए सर, ये मुस्लिम वर्ग को लेकर हमेशा बयानबाजी करते थे तो मुस्लिमों में नाराजगी रहती थी, लेकिन आज इन्होंने जिन हिंदुओं के नाम पर वोट मांगते हैं और सत्ता में रहते हैं आज उन्हीं को ये सीधा सीधा आप शब्दों का प्रयोग करते हैं इस तरह के, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। जी ठीक है, निर्वाचन आयोग ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके बाद उनके अधिकारियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की, जिला निर्वाचन अधिकारी से क्या कुछ कहना था उनका? जी बात करने की कोशिश की गई थी और उप जिलाधिकारी ने कहा है कि इस तरह के बयानबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई भी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको बहुत बहुत शुभकामना। एक बार फिर देना चाहूंगा कि आपकी वजह से ही ऐसे नेताओं पर भी लगाम लगी रहती है। बाकी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर आपको बता रहे थे, जहां पर राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो काफी चर्चा में आया था, जिसको लेकर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार इस खबर को दिखाता रहा था, आप तक अपडेट पहुंचाता रहा था, साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों के भी संज्ञान में लाने का न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने काम किया, जिसके बाद असर कुछ ऐसा हुआ कि अब इन महाशय पर एफआईआर दर्ज हो गई है। वही मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव बिहारगढ़ में एक युवक को जूते से पीटने और प्रधान पति की तरफ से एक युवक के गले में मफलर डालकर घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए, ये वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है, मुजफ्फरनगर का ये वीडियो है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये वीडियो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में एक युवती है जिसने प्रधान पति और उसके फूफा पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती को मेडिकल के लिए भेजा है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी सहित दो लोगों को हिरासत में लिया है। तो मुजफ्फरनगर का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दलित युवक को पीटने का आरोप है और साथ ही साथ उसके गले में मफलर डालकर उसको घसीटने का भी, आप ये वीडियो जो है अभी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरा जो वीडियो है, पूरा जो मामला है, ये भोपा थाना क्षेत्र के गांव बिहारगढ़ का बताया जा रहा है, जहां पर इस दलित युवक को जूते से पहले पीटा गया, उसके बाद प्रधान पति ने इसके गले में मफलर डालकर इसको घसीटा है और ये वीडियो जिसने भी बनाया उसने इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद अब ये आग की तरफ फैल चुका है। मुजफ्फरनगर सहित पूरे प्रदेश में ये चर्चा का विषय बन चुका है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एक युवती ने प्रधान के पति और उसके फूफा पर मारपीट का आरोप लगा दिया है। पुलिस ने युवक को मेडिकल के लिए भेजा है। मामले में पुलिस ने आरोपी सहित दो लोगों को हिरासत में भी लिया है। जनपद मुजफ्फरनगर में आज एक वीडियो वायरल हुआ है थाना भोपा क्षेत्र के अंतर्गत, जिसके अंदर एक युवक की दो लोगों के द्वारा मारपिटाई करी जा रही है। इसमें अवगत कराना है कि दोनों ही लोगों को, जिसमें से एक उसी गांव के प्रधान का पति है और उसके साथ एक व्यक्ति और है, दोनों ही गांव बिहारगढ़ थाना भोपा क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों को घटना के तत्काल बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए पुलिस अन्य कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। संवाददाता संजीव कुमार जी जुड़ गए। संजीव जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि घटना क्या थी दरअसल, किस बात को लेकर विवाद था और किस बात को लेकर इतना भड़क गए और जब सारी सीमाएं तोड़ दी प्रधानपति ने, जिन पर आरोप है, और इस तरीके से पिटाई, इस तरीके से मफलर से बांधकर घसीटा गया, इतनी निर्ममता, क्या है मामला? जी मैं बताना चाहूंगा, पूरा मामला भोपा थाना क्षेत्र के बिहारगढ़ का है। ये युवक जिसको प्रधानपति द्वारा पिटाई की गई है, इसने हल्की शराब पी हुई थी, शराब के नशे में उसने इसको कोई गलत शब्द बोला, जिसके बाद प्रधानपति और एक व्यक्ति ने उसके गले में मफलर डाल सड़कों पे खींचा, गलियों में घुमाया और जो उसके साथ मारपीट की गई। वही SHP विजय यादव ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और आगे कार्रवाई की गई। ठीक है, प्रधानपति दरअसल प्रधान
कि गुंडे ही ज्यादा इसको कहेंगे हम लोग कि प्रधान गुंडे ही करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप ये बताइएगा कि मेडिकल कराया गया, मेडिकल में क्या कुछ बताया गया है, साथ ही साथ FIR अगर मुकदमा दर्ज हुआ है, पंजीकृत किया गया है, तो किस मामले में किया गया है, किस दफा के तहत किया गया है? युवक का मेडिकल तो करा दिया गया है, जिसके बाद अब बोपा थाना में पुलिस द्वारा प्रधानपति और एक अन्य उसके साथी के खिलाफ मारपिटाई की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक है, मारपिटाई की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके बाद किसी भी तरह की पूछताछ या फिर इनके घर पर पुलिस पहुंची, दबिश कुछ भी यही जा रहा है कि एससी एसटी पर लगाई जा सकती है। ठीक है, एससी एसटी लगाई जा सकती है, अभी तक लगाई नहीं गई है। ठीक है, और साथ ही अभी तक पुलिस इनके घर पर पहुंची है, ये जो आरोपी है, या फिर किसी भी तरीके की पूछताछ या किसी भी तरीके का पुलिस इनको थाने पर बुलवाया है? पुलिस ने थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रधानपति और उसके साथी को हिरासत में लिया, जेल भेज दिया है उनको, जेल भेज दिया। पुलिस लगातार तबीयत दे रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा इस खबर पर, आगे भी अगर कोई अपडेट आता है तो जरूर जानकारी दीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर हम आपको बता रहे थे जहां से, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मुजफ्फरनगर का भोपा थाना क्षेत्र का ये वीडियो है, बिहारगढ़ गांव बताया जा रहा है, जहां पर हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि मामूली घटना हुई थी, जिसको लेकर बाद में ये प्रधानपति ने अपनी गुंडई दिखाते हुए चप्पलों से पहले तो पीटा, फिर उसके बाद उसके गले में मफलर डालकर उसको घसीटा है, और घसीटने के बाद भी वो नहीं रुके और मारपिटाई करते रहे, जिसके बाद अभी हमारे संवाददाता संजीव साहब का बताना था कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते